हरियाणा राज्य सरकारी श्रम एवं निर्माण प्रसंघ के चेयरमैन टेकराम कंडेला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार देश की सत्ता संभालते ही किसानों के हित में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6000 रुपए देने का कार्य किया है, जो कि एक ऐतिहासिक कदम है। देश व प्रदेश के किसानों को इसका सीधा लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा सभी वर्गों के साथ साथ किसानों के हित में भी अनेक कार्य किए गए हैं, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ी है। आज यहाँ पे WD रेस्ट हाउस में हमारे जन कल्याण मंच के अध्यक्ष हैं, जो कैथर जिला के सुभाष भट्ट सिंह जी, पवन ढोल जी जो अपने एडवोकेट, जो कानूनी सलाहकार हरियाणा प्रदेश के, इसमें हमने ये निर्णय लिया है कि हरियाणा प्रदेश में अगले महीने हर जिले में 1100 पौधे जो हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए जो काम कर रहे हैं 2-3 साल से, खाप पंचायतें भी और जन कल्याण मंच भी, सबसे पहले तो हमने ये प्रस्ताव पास किया है कि आए हर उसके कारण जिले में, हम जितने हमारे 22-23 जिले हैं, सभी जिलों में जाकर इस तरह के 1100 पौधे, बढ़िया पौधे लगाएंगे और युवाओं को जो नशे की, जो पंजाब से जो नशा फैल रहा है, उसके लिए हमें एक कमेटी बना सारे गांव में इस प्रकार का प्रचार करेंगे ये। और तीसरा प्रस्ताव हमने ये किया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो पहली कैबिनेट की मीटिंग में किसान और जवान के लिए जो काम किए हैं, उसका हम जन कल्याण मंच की तरफ से धन्यवाद करते हैं और ये मांग भी करते हैं कि किसान सम्मान निधि जो 6000 रुपये केंद्र सरकार ने करी है, उसमें बढ़ोतरी की जाए कि किसानों को लाभकारी भाव न मिलने से कम किसानों का आर्थिक बोझ बढ़ा हुआ है, इसलिए किसानों के कार्य में भी जन कल्याण मंच काम कर रहा है। और इसके साथ साथ में जो हरियाणा सरकार ने लेबर के सहकारी श्रम विभाग का जो चेयरमैन बनाया हूँ, उसके लिए हम यहाँ दफ्तर में भी हमने अधिकारियों से निरीक्षण किया जाकर काम करने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए। और हमारा जो आगे विधानसभा का जो चुनाव आने जा रहा है, उसमें हमारा 75+ का जो टारगेट मुख्यमंत्री ने जो किया है, उसके लिए हम पूरी तरह से तैयारी है और 75+ का आंकड़ा पार कर। इस तरफ हमारी जो पीछे हमने कंडेला में हरियाणा स्तर पर एक सम्मेलन बुलाया था, इसमें पर्यावरण के लिए हमने DC को वहाँ के, SP को, जींद के DC को, उनको बुलाया था, उसके लिए जो पुराने पेड़ थे हमने उस प्रकार के, जिस तरह पिपल है, बड़ है, इस तरह के हम पेड़ ले आए थे तो हमने लगवाए भी थे, इसके बारे में हमारा पूरा ध्यान है। और जो ऑक्सीजन वगैरह जो इस तरह के जो पुराने पेड़ हैं, उसको भी हम के लिए तैयारी करें। उसके लिए हमने जिस तरह अपने आचार्य देवर जी जो 0 बजट खेती का मिशन लेकर सारे प्रदेश में, सारे देश में अंडर घूमने लग रहे हैं, हमने भी कंडेला गांव में उसका एक सम्मेलन बुलवाया था और उसका असर आचार्य देवर जी का इतना पड़ा कि हमारे जो मोटी खेती थी, जो इस तरह की जो बिना खार की खेती थी, काफ़ी लोगों ने, मैंने भी खुद भी कई किलो में खेती करी है और उसमें हमने बड़ा लाभ मिला है हर एक चीज़ का, जो मोटी खेती है। और हम ये कहते हैं भाई, इस तरह के जो फसलों का है, उसके लिए हमने मुख्यमंत्री से भी ये कहा है वो इनके दाम अधिक से अधिक बढ़ाएं। और पानी के लिए जो ये बात है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जल बचाना जीवन के लिए, जल जो बहुत ज़रूरी है, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। हमने पिछले साल भी हर ब्लॉक वाइज, हर जिले वाइज काफ़ी पौधे लगाए थे और इस वर्ष भी हम सारे जिलों में कम से कम 1100 का हमने टारगेट दिया हर जिला प्रधान से। और हमने सबको आज ये मैसेज भी कर दिए हैं हरियाणा प्रदेश में, भई आपने 1100 पौधे कम से कम लगाएं और ज़्यादा जितने लगे खाप पंचायतों में भी और भी बांटे। उसके लिए हमने ग्राम पंचायतों को भी हमें अपने लिख के भेज रहे हैं, सरपंच को, ग्राम पंचायत को, उसके लिए भाई या चौकीदार लगाए या उसके लिए कोई मजदूर लगाए पानी के लिए, इस प्रकार की हम स्कीम बना रहे हैं।